तो यस, आप सब जानते हैं हमेशा से थार और जिमनी में कंफ्यूजन रहता था कि कौन सी ले, लेकिन अभी ज्यादा हमारा मन कर रहा है सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आइए सर, वेलकम। माइलेज की देती है, माइलेज की देती है, माइलेज। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, लास्ट व्लॉग में देखा आपने, मैंने बोला था कि वी आर प्लानिंग टू सेल दिस बाइक एंड फाइनली फाइनल कर दिया है हमने। हंस क्यों रहा है तू यार? यार ये मतलब ये वो कहते हैं ना, दुखी मोमेंट, दुखी के दुखी की हंसी, दुख की हंसी, ये ऐसी बात है भाई। खुशी के आंसू होते हैं, दुखी के दुख का दुखी होता है, दुख की खुशी। तो गाइज, हमने फाइनली फाइनल कर दिया है, फाइनली फाइनल कर दिया है कि हम इस प्यारी सी बाइक को बेचेंगे। थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है, बट क्या करें, बहुत सारे प्लान्स हैं जिनमें बहुत सारा पैसा लग रहा है, तो उतना पैसा अभी हमारे पास है नहीं, तो कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है और हमें देनी है अपनी बाइक की कुर्बानी। और हम अपनी गाड़ी भी अपग्रेड करने वाले हैं, तो वो भी एक रीज़न है बाइक बेचने का। अच्छी गाड़ी लाएंगे, 4x4 गाड़ी लाने का प्लान है। तो यस, दैट्स इट। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मेल कर सकता है। एक सेकेंड को, ये देखो कहाँ पर हमने फोन रख दिया था, ट्राइपॉड किसको बनाते हैं हम इसको। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अगर किसी को बाइक लेनी है, कोई बाइक करना चाहता है, बट जो सीरियस बंदा हो, मस्ती वगैरह नहीं, जो सीरियसली बाइक लेना चाहता है, तो मैं मेल मेंशन कर दूंगा यार वीडियो में, तो मुझे मेल करें और फिर बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्दर मेल पे ही। बाकी ये पैसा वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये रही बाइक, आप सब जानते हैं कितने प्यार से रखा है हमने इसको, 5-6 महीने पुरानी है, लेकिन चली कितनी है, खाली 1800 किलोमीटर। क्या बात है, तो एकदम स्मूथ। ये देख सकते हैं आप, जैसे वो हम वो गाड़ी वाले बंदे वो यूट्यूब पर दिखाते ना, वो ऐसे ही यार। न्यूट्रल करने दे, कर स्टार्ट। बस बस, ये देखिए जी, एकदम कड़क, क्या बात है। चलो जी, दैट्स इट, मेल कर देना। अच्छा शाहिद, बिस्मिल्लाह, गेट इन द कार ब्रो। तो गाइज, गाड़ी अपग्रेड करने का बोल रहे थे, तो यस, आज हम इसी सिलसिले में जा रहे हैं शोरूम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने। तो यस, आप सब जानते हैं हमेशा से थार और जिमनी में कंफ्यूजन रहता था कि कौन सी ले, लेकिन अभी ज़्यादा हमारा मन कर रहा है जिमनी लेने का। थार का चला गया दिमाग से, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च वगैरह करके देखो, थार जो है ना वो एक प्राइमरी गाड़ी नहीं रख सकते हम, उसके साथ एक दूसरी गाड़ी जरूरी है, क्योंकि थार हम रेगुलर यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब वो यही ऑफ रोडिंग के लिए या कहीं जा रहे हो, वो मतलब एक फैमिली कार नहीं है, जो जिमनी है, जिमनी एक कंप्लीट फैमिली कार है। थार में मतलब अभी मेरी माँ को कहीं रिश्तेदार के घर जाना है, मतलब अपनी बहन के घर जाना है, अब मैं कहा उसमें थार में लेके जाऊँ, या डॉक्टर के पास जाना होता है कभी, तो थार में क्या, मतलब वो थार में चीप सा लगेगा, मतलब वाइब नहीं आएगी, मतलब फैमिली फंक्शंस के लिए हम थार नहीं ले सकते, और थार में दिक्कत है उसमें दो के लिए कंफर्ट, हाँ, वो और कंफर्टेबल भी नहीं है उतनी, तो जिमनी उससे ज्यादा है, हाँ, जितना हमने सुना है। तो अभी हमारे टेस्ट ड्राइव लेंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कंफर्टेबल सही में है कि नहीं, तो वो कॉम्पैक्ट है, छोटी सी प्यारी सी है, और डिसेंट सी, वरना वैसे थार तो थार है, लेकिन वो हम अभी उतना पैसा नहीं है कि जिमनी भी ले लें, थार भी ले लें, थार हम पहाड़ों के लिए ले ले और जिमनी फैमिली के लिए ले ले, तो अभी हमें बस एक गाड़ी रखनी है अच्छी, जो सब यूज कर सके, फैमिली वाले भी यूज कर सके और हम भी अपना पहाड़ों में भी चढ़ सके, क्योंकि जिमनी 4x4 भी है, तो उस ले। बाकी इंशाल्लाह थार तो अपनी है ही, फेवरेट, तो आगे जाके ले लेंगे। मैनुअल ले रहे हो या ऑटोमेटिक? मैनुअल या ऑटो वो भी देखेंगे, ऑटोमेटिक या मैनुअल, दैट्स वी विल थिंक अबाउट। और फिलहाल अभी हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए शोरूम, और यस, लेट्स गो, एक्साइटेड। आपने किया एक बार ऐसे जिमनी की टेस्ट ड्राइव? नहीं की मैंने, थार की टेस्ट ड्राइव की मैंने, ठीक। और मेरी जो ड्रीम कार है ना, मेरी नहीं, हमारी, हम दोनों की जो ड्रीम कार है ना, जी वैगन, मर्सिडीज जी वैगन, तो जिमनी जो है उससे रिजेंबल होती है, सिमिलर, एकदम डिट्टो सस्ती जी वैगन है वो, एक दो चीजें चेंज करनी है, 10-20 हज़ार में हो जाएगी, और हल्की सी मॉडिफाई करनी है, वो पूरी जी वैगन बन जाएगी, पूरी जी वैगन की वाइब देगी, तो यस, इसलिए जी वैगन जिमनी। पॉइंट उधर गया और उधर हमने क्या कहते उसे, हाथ मारा, वरना पहले मैंने जिमनी पूरी रिजेक्ट कर दी थी, तब थार का बहुत सवार था, लेकिन फिर जब इंसान पूरा लॉन्ग विजन में सोचता है तो फिर चीजें बदलनी पड़ती है। हमारे अभी भाई बहुत ही फैमिली बंदे हैं, फैमिली मैन, संदीप महेश्वरी सस्ता वाला, वो शीशा बहुत गंदा है यार, इसमें पानी भी नहीं है। और ये पहुंच गए जी हम शोरूम, यहाँ पे दो तीन है, हमारा वाला कहाँ पे है जिससे हमें बात करी है? गेट नंबर 1,
यही है तो हाँ जिमनी सामने है भाई। क्या बात है सर, सीधे जी वैगन कसम से। ये देखो जी, लेकिन ये ब्लैक है। हाँ हमें ब्लैक नहीं लेनी है यार, वाइट या रेड। ओके वो देखेंगे, वो देखेंगे, विल सी दैट। ओ जिमनी 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 देख। हाँ जी वैगन, जी वैगन। अरे तो वाइट भी है यार, वाइट मुझे देख। जी ये डिट्टो जी वैगन है भाई, वाइट कलर देख। ब्रो 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 ब्रो, और ये वाला, ये दूसरा कलर, ये तो ग्रीन है, पैरेट कलर, पैरेट ग्रीन। उतरो जी। ये देखो जी जिमनी, पैरेट ग्रीन, वो ब्लैक, और दिस वन ये हम लेने वाले हैं इंशाल्लाह, ये कलर भाई। देख तू पहली बार देख रहा है ना, मतलब सामने से करीबी से देख कैसी है। खड़क रुक जा, अंदर बंदे से मिलते हैं जा भाई। रेड कलर भी तगड़ा है भाई, रेड भी तगड़ा है ना, रेड एंड वाइट क्रेजी। हाँ रेड या वाइट दोनों में से। अब यार मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, वाइट के रेड क्या बोलते हैं, रेड लुक्स डोप इंशाल्लाह। ब्रो मेरे को गूज बम्स आ रहा है वहाँ का। भाई आ जाओ वहाँ से, वहाँ से आ जाओ। ओके आइए सर, वेलकम। कड़क कड़क माल है, बड़े है ना। स्टीयरिंग भी कितनी प्यारी है ना, स्टीयरिंग इंटीरियर भी मस्त है ना, ऑटोमेटिक है, ऑटो भी मैनुअल है, मैनुअल है। ये देख लो जी यहाँ से प्रॉपर फाइव डोर है, ये क्रेजी स्पेस अच्छी है ना, स्पेस भी प्रॉपर बैठने की। हाँ वो मैं देखा था यूट्यूब पे, देखा था ऑटोमेटिक ऑटो ओपन बूट स्पेस इज नाइस। वाओ Just looking like a wow. Just looking so elegant, so beautiful. Just looking like a wow. लेकिन इसका power to weight ratio better है Thar से। Thar से। और comfort भी ज़्यादा है। Thar बड़ी गाड़ी है, उसमें वजन भी ज़्यादा है। ठीक है सर। तो इसका power to weight ratio match हो जाता है। With the result ये perform करते हैं वहाँ पे भी जहाँ पे बिल्कुल कम गाड़ियाँ perform करें। ऐसा नहीं कि Thar वहाँ पे perform नहीं करेगी। नहीं बिल्कुल। थार भी परफॉर्म करेंगी, ऐसी कोई गाड़ी दुनिया में नहीं है जो बेकार बनी। बिल्कुल। ओके सो आई एम ड्राइविंग दिस वन, ये जेटा है सर? ये अल्फा है। अल्फा है, ओके। तो ये स्क्रीन उसमें छोटा मिलता है जेटा में, थोड़ा वो भी मैं दिखा दूंगा। ओके सर वो दिखा देना। अच्छा, इसमें ये आता है 2H 2H और ये 2H पे है। सही बात। फिर 4H 4H 4x4 4L क्या चीज है? 4L जो ना बिल्कुल ऑफरोडिंग में आप सब बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाला ऑफरोडिंग। ओके सर ऑल राइट। उस वक्त आपको इस पे रखना है तो ये प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। ओके सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ओके तो हाईवे पे आ गए जी हम। तो शायद भाई हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस कार? Very good, fantastic. So you know? Yes. ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। Interior? हाँ। बहुत तगड़ा है। Comfortable बहुत है। Comfort अच्छा है ना? Comfort proper है। Proper. Thar में हिलता है बंदा। Engine क्या सर इसका engine? 1.5. 1.5. Mileage क्या देती है? Mileage क्या देती है mileage? It's 60. Main important, most important question. 60 ना? ये सर ये ग्राउंड ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका? जी 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 ऑब्वियसली वो तो अच्छा होना ही है। 210 210 mm जी 210 mm। बलेनो का 170 है। 170 और इसका 210 तो काफ़ी डिफरेंस है। थार का कितना है अंदाजन? थार का भी ऑलमोस्ट यही होगा, सेम ही होगा। बैक इन अपनी बलिनो, आ जाओ जी। ओके जिमनी से डायरेक्ट बलिनो में गए। क्या बात है सर, ये थोड़ा बहुत बनवा के लाया हमने प्रॉपर लिस्ट प्राइस वाइज का, कितने में क्या पड़ेगी क्या कुछ होगा। तो शायद भाई पहले बताइए आप जिमनी कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया, मतलब जेन्युइनली है ना, फैंटास्टिक बढ़िया है, दिखने में भी अच्छी है, बाकी कंफर्ट के हिसाब से भी अच्छी लगी, ग्रेट। बस कलर में हमारी दिक्कत है, या आप बोलो रेड ले या वाइट ले, आप बताओ। पहले बाइक का देखना है, बाइक का सौदा हो जाएगा उसके बाद ही गाड़ी ला सकते हैं, उसके बाद ही लानी है। तो अभी लगेगा यार, अभी एक महीना तक लगेगा इसमें।
इस प्रोसेस में, बट या होपफुली सून। ये देख लो जी हमारा पुराना प्यार थार। तो गाइस डायरेक्ट शोरूम से अपने फेवरेट दाल पॉइंट, तो बहुत जल्द जिमनी में आएंगे, फिलहाल बलिनो में आए हैं। क्या बात है सर, आप लेके आइए दो प्लेट। दो प्लेट हमारी फेवरेट दाल, दाल छोला समोसा, एक्चुअली दाल क्यों बोलते हैं इसको, छोला समोसा है, दाल मिक्स होती है ना। ओके सॉरी, लेके आओ। ये खाली खाली क्यों है इस वक्त, शाम को कस्टमर ज्यादा होते हैं। टाइम क्या रहा है? टाइम आ रहा है जी 5:16। ओके आ जाओ जी। क्या बात है सर, ओए 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 मजेदार, पेड़ भर जाता है यार इससे। यस सर, चलिए शुरू करते हैं, सस्ता और टिकाऊ। चलिए शुरू करते हैं, लंच भी नहीं करा था यार, सुबह बस चाहिए चाय नाश्ता वगैरह, बाकी कुछ नहीं। ओके तो गाइस फाइनली बैक टू स्वीट होम, नॉट ओनली होम, स्वीट होम। ये लीजिए हमारी बाइक को वापस अपनी जगह पर रखते हैं, चाबी जेब में, बारिश हुई है। चलिए सर, दिल की कश्ती कट कर दो। कर पाएगी? ओ भाई नहीं। अब फाइनली गाइस फाइनली, चलिए सर। ओ तो गाइस 9:30 राइट नाउ, मैं आ गया जी रूम में। डिनर आज से कैंसिल ही कर दिया क्योंकि दाल से मेरा पूरा पेट भर गया था, दो प्लेट खाए थे तो पेट पूरा भर गया। तो अभी अब लग जाता हूँ एडिटिंग में, थोड़ी देर एडिट करेंगे, थोड़ी देर क्या, 1.5 घंटा एडिट करना है एंड उसके बाद सो जाएंगे। एंड उसके बाद कल हमारा प्लान है जी कैंपिंग पे जाने का, बहुत मज़ा आने वाला है। यस फाइनली कल हम जा रहे हैं कैंपिंग पे, लेकिन फिलहाल इस व्लॉग को इधर एंड करते हैं, सुबह जल्दी उठना है तो व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया फॉर सो रीजन गिव अ लाइक, आई विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।